आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रिय छात्रों, देखिए एक आपको प्रश्न दिया है, इसमें सरल लेखा है, इसकी प्रवणता क्या ऋणात्मक है, ठीक है। इस जो इस बिंदु से गुजरती है 8.2 से तथा धनात्मक अक्षों को पी और क्यू पर काटती है और 0 इसका मूल बिंदु है, तो आपको ओपी धन ओक्यू का मान निकालना है, जबकि न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है। तो ये आपने प्रश्न, मैं सोचता हूँ प्रश्न समझ गया होंगे आप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अक्ष बनाते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि प्रवणता क्या है, माना की प्रवणता है तो रेखा की प्रवणता क्या है उसको मान लेते हैं एम है, ठीक है। ये हमारी प्रवणता रेखा की, तुम्हारा जो समीकरण बनेगा वो हो जाएगा वाई माइनस दो बराबर माइनस एम, ठीक है, बोलते एक्स माइनस आठ, ये हमारा समीकरण बनेगा। तो वाई माइनस दो का माना जाएगा माइनस एम एक्स धन एम एट, तो वाई का यहाँ से मान आ जाएगा माइनस एम एक्स धन एम एट धन दो, ये हमारा समीकरण बनेगा। देखिए समीकरण जो रेखा है हमारी, ठीक है, जो 8.2 से जा रही है तो और अक्षों को पी और क्यू पर काट रही है, तो हमें इसके समीकरण ज्ञात हो गए। कौन से बिंदु जा रही है, दो का मान से, दोनों लिखा वाई माइनस टू और माइनस एम एक्स माइनस आठ, एक्स माइनस आठ वाई माइनस टू हो गया, ये एम से हो गया माइनस एम एक्स धन एम एट, ठीक है, ये आपका एम एट हो गया और फिर हो जाएगा वाई का मान क्या है माइनस एम एक्स धन एट एम धन दो, ये आ गया समीकरण। अब क्या करते हैं, ये पी पर बिंदु पी पर जान निकालते हैं, तो बिंदु पी क्या होगा हमारा, तो बिंदु पी होगा, लिखते बिंदु पी, बिंदु पी क्या होगा हमारा, बिंदु पी होगा जब वाई का मान क्या हो जाएगा, वाई का मान शून्य हो जाएगा समीकरण में, ठीक है, वाई शून्य हो जाएगा, एक्स एक्स पर क्या होता है वाई शून्य हो जाता है, एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा एट एम धन दो बटे एम, ठीक है, इसका मान आ जाएगा आठ धन दो बटे एम, ठीक है, ये हमारा आ गया बिंदु, आ जाएगा आठ धन दो बटे एम कमा शून्य, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, वाई को शून्य रख दिया, तो एक्स क्या जाए, एम इधर जाएगा और एम से क्या करेगी विभाजित करेगी, तो बचेगा आठ धन दो बटे एम, ठीक है। देखिए बिंदु क्यू हम कैसे निकालते हैं, तो बिंदु क्यू क्या होगा, बिंदु क्यू होगा हमारा, ठीक है, बिंदु क्यू क्या करेंगे, ये वाई अक्ष पर है, यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा, अभी हमने पहले वाई का मान शून्य किया, अब यहाँ पे एक्स का मान शून्य कर देंगे, जब एक्स मान शून्य करेंगे तो वाई का मान क्या आ जाएगा हमारा, वाई का मान आ जाएगा आठ एम धन दो, ठीक है। तो हमारा बिंदु यहाँ क्यू क्या हो जाएगा, बिंदु क्यू हो जाएगा हमारा, एक्स शून्य है, वाई हो जाएगा एट एम धन दो, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा वाई। अब देखिए क्या है, तो ओपी क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, ओपी का मान क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा हमारा जो एक्स की वैल्यू है आठ धन दो बटे एम, ये हमारा ओपी हो जाएगा दो बटे एम, ठीक है। और ओक्यू क्या होगा हमारा, आठ एम धन दो, ठीक है। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, हमें बताना है कि ये दोनों का योग न्यूनतम होना चाहिए, निरपेक्ष न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है, निरपेक्ष मतलब आठ धन दो बटे एम धन आठ एम धन दो, ठीक है। तो एल का मान आ जाएगा हमारा आठ एम धन दो बटे एम धन दस। तो अब इसका अवकलन करते हैं, डीएल अपॉन डीएम कर डालते हैं, एम के सापेक्ष अवकलन, ये क्या हो जाएगा आठ माइनस दो बटे एम स्क्वायर, ठीक है, इसको शून्य कर देते हैं, तो एम का मान क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा प्लस माइनस एक बटे चार, ठीक है। तो हम यहाँ एम को क्या लेते हैं, एक बटा चार लेंगे। देखिए हमने जो सूत्र लिखा था एम का, यहाँ लिखा था माइनस एम, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, प्रवणता नकारात्मक कब होगी, जब हमारा एम धनात्मक होगा, तो हम समीकरण में ये मानेंगे कि एम हमारा धनात्मक है, ठीक है, एम धनात्मक हमारा, तो एम का मान क्या आएगा, एक बटा चार आ जाएगा। अब इसका द्वितीय अवकलन करके इसका उसको देखते हैं कि न्यूनतम है कि नहीं, तो डी स्क्वायर एल अपॉन डी एम स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा माइनस दो गुणते माइनस दो बटे एम क्यू, ठीक है, तो ये आ जाएगा चार बटे एम क्यू, और एम धनात्मक है, क्या धनात्मक है, इसका मतलब दूरी क्या है, न्यूनतम है, ठीक है, न्यूनतम दूरी, प्रश्न में पता चल गया दूरी न्यूनतम है, न्यूनतम है, ठीक है। अब हमने द्वितीय अवकलन से पता कर लिया, अब एल का मान पता चल जाएगा, एल का मान क्या हो जाएगा,
एल का मान था हमारा यहाँ से 8m^(2/m^10, ठीक है। तो ये इसका मान हो जाएगा हमारा 8m^(2/m^10। तो m का मान क्या रखेंगे, 1/4 रखेंगे इसमें, 8×1/4^2/1/4^10, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा 2×8^10, ठीक है। तो ये इसका मान आ जाएगा 20, ठीक है। ये इसका दूरी का उत्तर आ जाएगा, तो ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।